गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अमनदीप सिंह। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.2। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। मेन टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें कोई भी तीन पॉइंट्स अगर गिवन हो, जैसे ए हमें गिवन है x1 y1, बी हमारे पास है x2 y2 और सी हमारे पास है x3 y3, तो इन पॉइंट को यूज़ करके ये फार्मूला होता है x1 y2 - y3। ये देखो ऐसे बन रहा है 1 2 3 प्लस x2 y3 - y1, ये देखो 2 3 1 x3 y1 - y2, यानी कि 3 1 2। x(y-y) लिख के तीन बार लिखना है ऐसा, और 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ऐसे लिख लेना है। इजीली ये याद करने का एक मेथड है, क्योंकि अगर एक चीज़ भी इधर उधर हो गई तो वो माइनस के कारण सारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। मैं आपको फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेकंड आपने खुद करना है। ए बी और सी हमें गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फार्मूला मैं फिर लिखूँगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2। x1 इज 2, y2 - y3, y2 इज 0 -4, प्लस x2 इज -1, y3 - y1 -4 - 3, प्लस x3 इज 2, y1 - y2 3 - 0। इसको सॉल्व करेंगे 1/2, 2 0 प्लस 4 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -7 हो गया, प्लस 2 × 3 1/2, 2 × 4 -, प्लस 7 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 8 प्लस 7 प्लस 6, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एरिया स्क्वायर में होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमें गिवन है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अब देखो पॉइंट्स हैं तीन पॉइंट्स 1 2 3। अगर ये कोलिनियर हैं, मतलब एक लाइन में है, तो इट मीन्स ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0। अगर सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इसको इसके साथ मिलाओ तो ये क्या बना, एक ट्रायंगल बन गया ना, तो कुछ ना कुछ एरिया होगा। कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0। तो अब हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। अब फॉर्मूला मैं नहीं लिखूँगा, वो आपने खुद देख लेना है। तो 1/2 x1 इज 7, y2 - y3 1 - k, प्लस x2 इज 5, y3 - y1 k - -2, प्लस x3 इज 3, y1 - y2 -2 - 1। तो 1/2 ये आ जाएगा 7 × 1 - k प्लस 5 × k प्लस 2 प्लस 3 × -3। तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 - 9। तो 1/2 इंटू प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का आएगा, -2k आ गया। अब 7 प्लस 10 17, 17 में से 9 माइनस किए प्लस का 8, तो यहाँ पे 1/2 × 2 कॉमन निकल गया, -k + 4। अब ये आ गया एरिया ऑफ
ट्राइंगल इज इक्वल टू माइनस के प्लस फोर स्क्वायर यूनिट्स। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, लेकिन हमें क्या बोला गया है कि पॉइंट्स को लीनियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज पॉइंट्स आर कोलीनियर, क्योंकि पॉइंट जो हैं वो कोलीनियर हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ज़ीरो। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये आ जाएगा माइनस के प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, माइनस के इज इक्वल टू माइनस फोर, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा फोर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका है तो उसके जैसा, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। ए बी सी गिवन है, वैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, तो ये माइनस फोर प्लस फाइव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस सिक्स के इंटू माइनस सिक्स, टू इंटू वन प्लस फोर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब इसमें से भी थ्री टू कॉमन निकल जाएगा, वैसे थ्री भी निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे वन बाई टू है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, तो हमने क्या किया, टू कॉमन निकाल दिया। अंदर आ जाएगा माइनस थ्री के प्लस नाइन, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलीनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को ज़ीरो के इक्वल रखा और आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के मैं आज टू एक्सरसाइज के टू क्वेश्चन ही करवाऊँगा, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके सिर्फ अब थ्री क्वेश्चन रह गए हैं, थ्री क्वेश्चन करके एक्सरसाइज और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।